हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि चौथे महीने से प्रेग्नेंट महिला को फॉलो कर लेनी चाहिए, ये महिला की नॉर्मल डिलीवरी से भी रिलेटेड है, ये गर्भ में पल रहे शिशु के अच्छे विकास से रिलेटेड है और डिलीवरी के बाद भी आप स्वस्थ रहें, आपका बच्चा स्वस्थ रहे, इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। छोटी सी चीज़ है जो आपको चौथे महीने से करनी है और ये प्रेगनेंसी केयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। फ्रेंड्स, अगर हम इंडिया में आंकड़ों की बात करें तो 10 प्रेग्नेंट महिलाओं में से 6 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक पाई जाती हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा एनीमिया हमारे ही देश में है। एनीमिया की वजह से शिशु का विकास प्रभावित होता है, प्री मेच्योर बर्थ होता है, समय से पहले बच्चे के समय पूर्ण करने से पहले ही जन्म की संभावना रहती है। जन्म के समय बहुत ही कम वजन हो सकता है, विकास बाधित हो सकता है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। कई केसेस में कई रिसर्चेज और एनालिसिस ये भी बताते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम रहे, खून की कमी, हीमोग्लोबिन अगर प्रेगनेंसी में बहुत कम रहा, तो जन्म के बाद शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। तो आयरन का स्तर प्रेगनेंसी के दौरान सही होना बहुत ज़रूरी है। ICMR की रिकमेंडेशन के मुताबिक 30 से 60 mg आयरन आपकी डाइट में डेली होना चाहिए। प्रेगनेंसी के चौथे महीने से आयरन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो वहाँ आपको फ्री में आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। लेकिन आयरन की टैबलेट से महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है क्योंकि वो आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। तो क्या करें, अगर हम दवा के बिना नॉर्मल फूड सोर्सेज से आयरन लेते हैं तो वो आपके शरीर में आयरन की पूर्ति करेगा, बच्चे का विकास अच्छा होगा, आप भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, डिलीवरी भी बहुत आसान होगी, साथ ही आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपने आहार को बहुत सही तरीके से लेना है। क्या करना है आहार में, डाइट में, मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ। दो चीज़ें एक तो आपको करनी है और दूसरी नहीं करनी है। आयरन अगर अच्छा चाहिए तो दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आयरन घट जाता है प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में। सबसे पहली चीज़ कुछ जनरल फूड आइटम्स है जैसे कि हरी सब्जियां हैं, गोभी है, लौकी, तरोई, भिंडी, पत्ता गोभी, पालक, मेथी का साग, ऐसे जितने भी हरी सब्जियां हैं ये आपको ज़रूर डेली, दिन में एक बार एक हरी सब्जी आपको ज़रूर लेनी है। दूसरी चीज़ दालें, दालें डेली के खाने में आपके होनी चाहिए, एक कटोरी दाल आपको डेली खानी, क्योंकि दालों में प्रोटीन भी होता है, आयरन भी होता है। इसके अलावा नट्स जैसे कि अंजीर और किशमिश, किशमिश की बजाय आप मुनक्का चयन करें क्योंकि मुनक्का कभी एसिडिटी नहीं करता, उसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मुनक्का वो होता है जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं, बड़ा होता है किशमिश से, साइज़ में डार्क कलर का होता है। तो आप डेली 5 से 7 मुनक्के रात को भिगो दें, सुबह उसका पानी पी लें जिस पानी में आपने उसको भिगोया है और वो मुनक्का खा लें, सुबह खाली पेट आप कर सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी में चौथे महीने से ये काम आपने स्टार्ट किया तो ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन सताएगा, ना ही आपको खून की कमी होगी। मुनक्के के साथ साथ उसमें एक अंजीर अगर आप डाल देती हैं, भिगो देती हैं और मुनक्का और अंजीर साथ में खा लेती हैं तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ब्राउन राइस, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, नींबू पानी, संतरा, चुकंदर, अनार, ये सारी चीज़ें भी आयरन की पूर्ति करती हैं। लेकिन और भी तरीके आप जानना चाहती हैं, स्नैक्स में आप रागी के लड्डू बना सकती हैं, रागी के आटे की चपाती खा सकती हैं, आप बाजरे का सेवन कर सकती हैं, रोटी के तौर पे अगर सर्दी का मौसम है तो रोटी बना सकते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो उसकी खिचड़ी बनाई जा सकती है जिसको कि दही मिला के आप खा सकते हैं। तो ये बहुत सरल तरीके हैं, हर सर्विंग में अच्छी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन आदि आपको मिलने का, और इससे आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी और दवाओं की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं दूसरी गलती जो हम करते हैं अक्सर, और प्रेगनेंसी में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आयरन का स्तर प्रेगनेंसी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरी चीज़ ये है जो आपको नहीं करनी है अगर आयरन का स्तर ठीक रखना है, वो ये कि चाय और कॉफ़ी कम पीनी है। चाय और कॉफ़ी में ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि शरीर में जो आयरन है उसको शरीर में अवशोषित नहीं होने देते, खुद से बाइंड कर लेते हैं और बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो आयरन आपके शरीर से लीच आउट हो जाता है पूरी तरह से अगर आप चाय और कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करती हैं। कई महिलाएँ या सर्दियों के मौसम में अक्सर देखा गया कि महिलाएँ परिवार में बाकी लोग भी खाना खाने के बाद चाय पीना पसंद करते हैं, ये एक बहुत ही ख़राब आदत है। तो इससे आपके शरीर के पोषक तत्व चाय और कॉफ़ी के साथ शरीर से निकल जाएंगे और आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर
आप भी ये गलती कर रहे हैं तो इसको आज ही सुधार लीजिए। तो चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करना है, इवन खाना खाने के 1.5-2 घंटे तक आपको चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी है, जिससे कि आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। दूसरी तिमाही से आपको आयरन पे ध्यान देना शुरू करना है और अगले 6 महीने तक आपको इस पे पूरा ध्यान रखना, ताकि आपके बच्चे का विकास अच्छा और आपकी डिलीवरी भी बहुत ही आसानी से हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।